हेलो ऑल, मैं हूं पारस कोठारी और आज इंडिया टीवी पर मेरे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और उनमें से एक बहुत वक्त के बाद हमसे मुलाकात कर रहे हैं और अभी अभी शादी हुई है, शादीशुदा जिंदगी में प्रवेश कर चुके हैं दोनों, विराफ एंड सलोनी पटेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, कैसे हैं आप दोनों? मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई डोंट नो अबाउट सलोनी, बट व्हाट डू यू फील? शी इज लुकिंग सुपर एक्साइटेड, आई कैन सी। You can see it on my face how I'm feeling. कैसा लग रहा है, मुझे दिख रहा है। ओके, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आप दोनों से कि शादी हो गई है, लॉकडाउन में शादी हुई है और बहुत कम लोगों को पता था कि विराफ इज सीइंग समबडी और एकदम से सोशल मीडिया पे धमाका होता है, पिक्चर्स आ जाती हैं और उसके बाद सब लोगों को पता चलता है इंक्लूडिंग मी दैट विराफ इज गेटिंग मैरिड विद सलोनी। सो ये पूरी कहानी जरा हमें आप संक्षेप में बता दीजिए हिंदी में, हमारे दर्शक क्योंकि हिंदी के हैं। सो ये हुआ कैसे, ये क्या मतलब लव कम अरेंज मैरिज है, क्या है, जरा पूरी स्टोरी थोड़ा टेलीविजन अंदाज में बता दीजिए विराट भाई। देखिए, ये सब एक तरीका था खर्चा बचाने के लिए। और फिर जो पैंडेमिक हो गया तो उससे तो हमको और अच्छा एक्सक्यूज मिल गया। तो अभी कोई भी मिलता है तो मैं कहता हूँ, अरे क्या भाई, तुम शादी में नहीं आए, हमने तुमको इतना बुलाया। और फिर लोग सीरियस भी हो जाते, बोलते यार क्या करें, लॉकडाउन था, कोविड के टाइम पे कैसे आए। पर खैर, ये इसका मजाक बनाना हमें अच्छा लगता है क्योंकि ये वक्त है, ये वक्त ही कुछ ऐसा है। और हमारे मम्मी डैडी भी नहीं आ सके, यू नो, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द वेडिंग। बट टू गो लिटिल बिट इन द फ्लैशबैक, वो हम होता है ना, एक फ्लैशबैक अगर हो जाए तो कुछ 2018 के एंड में मैं सलोनी को एक शूट पे मिला। हम एक वेब सीरीज शूट कर रहे थे तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मैंने बोल दिया, आई थिंक तीसरे या चौथे दिन पे मैंने बोल दिया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। लड़के बोलते हैं ना, भाई आप उनको इंटरेस्ट है तुम में, तुमको अपने में इंटरेस्ट है क्या? वैसे मैंने कुछ बोल दिया उसको और she said, I don't know, I need some more time. And that is Moshi Moshi, our cat, just in case you all have found him. Yeah. But yeah, and then she we started spending more time with each other. Then we met each other's parents. और एक मैंने उसको बोल दिया था कि देखो, मैं बचपन में अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती थी ना, मैं मेरे पेरेंट्स से छुपाता था, पर अब मैं एक अभी बुढ़ापा आ गया है तो अभी अभी पेरेंट्स को, पेरेंट्स से गर्लफ्रेंड नहीं छुपाते हैं। तो आई मेड माय पेरेंट्स मीट सलोनी वेरी क्विकली एंड आई जस्ट सेड, लिसन, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट दिस इज द गर्ल इन माय लाइफ राइट नाउ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और सब कुछ ठीक ठाक जाएगा तो मैं शायद इससे तो ये अब ये लेकिन मेरा भाई ये सवाल अब मैं सलोनी से पूछना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने ऐसा किया और जो एटीट्यूड इन्होंने दिखाया आपको कि अपन तुम में इंटरेस्टेड है, तुम भी अपने में इंटरेस्टेड है क्या, ये इसी अंदाज में बोला था इन्होंने आपसे और आपने सच में ये सुनकर इनको हाँ कहा है? वैसे ऑनेस्टली ऐसे ही कुछ अंदाज में बोला था और मैं ऐसे ही कुछ हंसी थी क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कोई कोई कैसे बोल सकता है। हमें 2-3 दिन हुए मिले हुए और 3 दिन में ही तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे इंटरेस्ट है और यहाँ तक कि मुझे आगे जाके शादी करनी है। मैंने कहा नहीं 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 ये नहीं हो पाएगा। लेकिन ये मुझे इतने, इनकी ऑनेस्टी और इनका चार्म मुझे इतना अच्छा लगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए बहुत जल्दी। और फिर मैं किसी काम से पुणे जा रही थी, इनके पेरेंट्स पुणे में हैं तो इन्होंने घर पे भी बुलाया कि चलो आ जाओ घर पे मिल लो सबसे। पीछे क्या प्लान था थोड़ा आइडिया था मुझे पर इतना नहीं था। पर वहां गई तो आपको इन्हें बताना चाहिए आपकी मम्मी ने मुझे क्या कहा था। आपने तो उन्हें यही बोला था कि ये पसंद है शायद कुछ, लेकिन मम्मी ने कुछ ऐसा कहा था, मम्मी हमको बाय बोल रही थी जब ये कुछ 3 हफ्ते हुए थे हमें मिले हुए। और मैंने, माँ एक ऐसी होती है ना, आप माँ को बोलते हो मम्मी देखो कुछ अजीब हरकत मत करना, मैं बस 3 हफ्ते से लड़की को जानता हूँ, थोड़ा सा कुछ मम्मी लोग बोल देते हैं ना, अरे बेटा तुम शादी कब कर रहे हो, ये सब थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। बट मम्मियों को कौन कंट्रोल कर सकता है, आज
आज की तारीख में कौन कंट्रोल कर सकता है। तो खैर सलोनी को बाय बोले जा रही थी मम्मी, और फिर बाय बोलते बोलते बोला कि बेटा मुझे अगली बार बाय बोलना नहीं चाहिए। सासू माँ की तरफ से थम्स अप होता है इसका मतलब। और ये इसको इसको और हम दोनों एक दूसरे को बड़े तभी के 3 हफ्ते हुए थे, और मैं तो अपना अभी लाइक मम्मी ने कर दिया बोल दिया अभी क्या बोलो अभी तो। पर खैर मम्मी लोग को कौन कंट्रोल कर सकता है मम्मी। सो बट आफ्टर दैट we spent more time with each other and then we took her मेरे पेरेंट्स के पास आए मिलने के लिए, और तब से 2 साल हो गए और अब शादी हो गई। अच्छा कितना चेंज आया है विराट भाई, कितना चेंज आया है लाइफ में, बैचलरहुड से मैरिड लाइफ, हाउ मच लाइफ चेंज? बहुत 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 चेंज हो गया ये ऐसे करके क्यों बोल रहे हैं आप? मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, अच्छा तुमने पूछ लिया, मैं किसी को अपनी दिल की बात भी बता सकता हूं। बहुत चेंज हो गया है भाई, सब 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 घर का काम मुझे करना पड़ता है, सब सब बहुत बहुत अभी इसको इस आज सुबह बोलती है मुझे सपना आया ये आई एम स्टक विथ यू। मैंने कहा ऑलरेडी इट्स ओनली बीन 3 वीक्स एंड यू ऑलरेडी गेटिंग दिस काइंड ऑफ ड्रीम्स, बट यू नो बट अदरवाइज इट्स ऑल गुड। यू नो किसी के साथ साथ बैठ के खाना खाना एक बहुत ही प्यारी सी बात है। Right. कुछ भी बोल लो आप, मतलब कितने भी खामियां ढूंढ लो आप अपनी बीवी के, पर उसके साथ जो 2 पल मिल जाते हैं, आप इधर उधर की बातें कर लेते हो, अपना अपना दिन बता देते हो, वो एक कप चाय पिला देती है, बस वहीं पे पैसा वसूल हो जाता है भाई। हालांकि हमने कोई पैसे खर्च नहीं किए पर वसूल हो गए। चलो नहीं ये बताइए कि ये जिस एक कप चाय की बात कर रहे हो, जो आप ये चाय पी रही है, जो एक पहली चाय जो ये बनाई किसने है, आपने बनाई है इनसे बनवाई है? ये वाली बाय चांस मैंने बनाई है, पर हमारा चाय का सिस्टम डिवाइडेड है। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता तो चाय ये बना के उठाते हैं, और शाम की चाय मैं पिला देती हूँ, हिसाब बराबर। लेकिन एक बहुत ही अच्छी सी बात ये है इस शादी में, that whatever money you saved for your big day, your wedding day, you spend that money beautifully. And I must commend both of you for that. मैं चाहता हूं कि आप अपने सभी फैंस को विराट और सलोनी ये जरूर बताएं कि जो हर लड़का लड़की सोचता है कि यार मैं मेरी शादी होगी तो मैं इतनी महंगी शेरवानी पहनूंगा, इतना महंगा लहंगा पहनूंगी, ज्वेलरी ये वो ताम झाम होगा और संगीत होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारे ख्वाब देखते हैं सब लोग, लेकिन आपने उस पूरे पैसे को एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए यूज किया। आई वांट बोथ ऑफ यू टू जस्ट टेल अस इन डिटेल कि एग्जैक्टली आपने क्या किया है उस पूरी वेडिंग मनी का। यार पारस एक तो ये जो कुछ मुझे नहीं लगता हमने कुछ बड़ा काम किया है, क्योंकि आमतौर में माहौल ऐसा हो गया है कि अगर किसी के पास थोड़े भी 1000 रुपए एक्स्ट्रा भी हो जाए ना तो वो दोस्तों को दावत नहीं देगा आज की तारीख में, बहुत मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो सोचेगा भाई मेरे 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 घर जो आते वो काम करती है वो ठीक है क्या, उसके घर पे थोड़ा सा खाने की कमी है क्या, या उस हम अभी इधर उधर देखने लग गए हैं महामारी के वजह से, हम थोड़ी सोच बदल चुके हैं राइट। और ये एक बड़ी और शादी आप क्या करना चाहते हो, एंड ऑफ द डे आप बस उसको यादगार बनाना चाहते हो राइट। तो और अगर यादगार बनाने के लिए आपको इतना तामझाम करना पड़ता है, पर वो तामझाम करने से आप ही को वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम कैसे एक कमरे में 100 लोगों को बुला के सबसे अच्छा खाना खिला के अच्छे कपड़े पहन के मजे ले सकते हैं, जब हम जानते कि इस दौरान इस माहौल में कहीं और किसी और को इसकी ज्यादा जरूरत है। तो बस इट इज अ नो ब्रेनर, और इट्स ऑल हम सारे अपने डिसीजंस हम जिस दौर से गुजरते हैं उसके हिसाब से भी लेते हैं। तो हमारी शादी इस दौर में गिरी है, तो हम नहीं कह रहे कि जिन्होंने पहले किया वो गलत है या जो आगे करेंगे फिर से तामझाम वो गलत है, हम बस इस दौर से गुजर रहे थे और हमने सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी शादी को शायद ज्यादा मतलब मिलेगा,
और ज्यादा यादगार बन जाएगी। तो ये एक्चुअली इट्स अ सेल्फिश थॉट, राइट? जेन्युइनली जेन्युइनली सीरियसली आप मुझे बताइए सलोनी की एग्जैक्टली आपने कैसे उस पैसे से लोगों की मदद की, व्हाट यू डिड एग्जैक्टली फॉर ऑल दोस पीपल, ऑल दोस मेरी ये I, you know, Paras, now since 1 year, we are connected to some sort of NGOs. We know so many people who are dealing with things and all of that. So we have decided that, okay, this is what we have kept aside for this, and we'll find the best places to keep supporting and do our bit as we go. And I'm sure there are a lot of people like us who are thinking like this. मैं यही अभी बोलने वाली थी कि जैसे कि हम अपने वेडिंग मनी से मदद कर रहे हैं, वैसे ही मैं बहुतों को जानती हूँ जो अपने स्किल्स से मदद कर रहे हैं, अपने जितने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है उससे मदद कर रहे हैं, कंटेंट से मदद कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं फ्री में. सो दिस इज ये एक चीज थी जो हम कर सकते थे और इससे हमें ज्यादा यू नो हमें हेल्पलेस फील नहीं होता जो हो रहा है घर पे बैठ के, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते. और जैसे कि मेरा आपने कहा कि हमने कुछ सेट असाइड किया है, एंड यू नो सैड पार्ट ये है पारस कि ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता ढूंढने के लिए कि किसे मदद चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं आपके आस पास मदद चाहिए. आई होप ये चेंज हो वेरी सून. पर जो जो हम आइडेंटिफाई करते हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं उस फंड से हम जरूर करते हैं. लेकिन विराज एंड सलोनी आप लोगों ने सच में अपनी शादी को बहुत ही स्पेशल अंदाज में यादगार बनाया है, एंड जनरली इसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए. एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि और एक वजह से याद है. हाँ जी, कौन सी वो दूसरी वजह? और एक पंजाबी की शादी हुई है. अच्छा, पारसी एंड पारसी विद पंजाबी, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो वो दोनों शादी दोनों मतलब बहुत अमेजिंग कल्चर्स हैं और दोनों का जो हर्मोनाइजेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो नजर भी आ रहा है आप दोनों को देख के. आई वांट टू नो कि विराफ एंड सलोनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं एज फार एज करियर इज कंसर्न. सलोनी की जस्ट अभी एक वेब सीरीज आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल वेब सीरीज है, ब्रोकन, और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हैं आप. विराफ भाई आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके फैंस टेलीविजन पे, यू मस्ट नो दैट. और इंस्टाग्राम पे भी आपको आई एम श्योर बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे. आई रिमेम्बर दोस डेज सलोनी, आई मस्ट टेल सलोनी, एक बोन देश के सेट पे विराट भाई के इंटरव्यूज हम लोग बहुत लेते थे और बहुत मजा आता था इनके साथ इंटरेक्ट करने में. और मुझे तो आई थिंक बहुत साल हो गए इनसे मिले हुए, बहुत साल. टेलीविजन करना ही छोड़ दिया इन्होंने, ऐसा क्यों विराट भाई बताइए, व्हाई नो टेलीविजन नाउ? नो आई हैवंट मेड एनी डिसीजंस as such. It's just that the work that is more inspiring and compelling is coming from web and film right now to me. And the moment my principals in TV throw something at me and say ke bhai tu ye kar tu ye, and it sort of inspires me, and I will definitely go and do it, kyunki ab wo antar dheere dheere aur kam hote ja raha hai, क्योंकि अब हम सब कुछ एक ही जगह से बैठ के सब कुछ एक ही जगह से देख रहे हैं. पहले होता था कि आप टीवी पे देख रहे हैं, आज आप स्मार्ट टीवी के वजह से सब कुछ जो ओटीटी का है टीवी पे देख रहे हो, फिल्म का है सब टीवी पे देख रहे हो. सो जैसे कि हम कह रहे थे वक्त बदल रहा है, बट आई हैव नॉट मेड एनी डिसीजन पारस कि मुझे टीवी नहीं करना है. नहीं बट आप नजर नहीं आ रहे ना, वही तो है बात, वही तो. टेलीविजन का सबसे स्टड बंदा अगर टेलीविजन पे नहीं आ रहा है तो कैसे काम चलेगा बताइए. फिर उसके बाद फिर ये वेब में कुछ ना कुछ चल रहा है, 13 मसूरी हो गया, फिर एकता के लिए हम Z5 के लिए वो वर्डिक्ट हो गया वगैरह. सो some very interesting work is coming up in the web space. Now also I'm involved in a web series that will come, which I'll be able to talk about a little later, maybe a couple of films also. So yeah, that's what my
immediate few days coming up are looking like Paras. But the most important project that I have right now in my hands is और ब्रोकन अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तरीके से ब्रांड बन चुका है. आई गेस दिस इज द थर्ड सीजन. कैसा एक्सपीरियंस रहा विद ब्रोकन एंड स्पेशली विद सिद्धार्थ? बहुत मजा आया पारस. बहुत बहुत प्यारा शो है. जैसे आपने कहा ऑलरेडी एक ब्रांड है पर इस बार एक नई कहानी है, नई कास्ट है. बहुत अच्छी कास्ट है. सिद्धार्थ बहुत अच्छे हैं काम करने में. उनके साथ बड़ा मजा आया. ऐसे लगता ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार सेट पे मिली. यू नो वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, अपने काम में ध्यान रखते हैं, मस्ती मजाक भी करते हैं. तो बहुत प्यारा शो है पारस. बहुत ही मजा आया. मतलब ऐसा है कि याद रहेगा. एंड मेरा तो अभी करियर शुरू हुआ है एंड इतना बड़ा ब्रांड के साथ एसोसिएट होने का मौका मिला. जस्ट वेरी वेरी थैंकफुल एंड वेरी हैप्पी. ओके वेब, मैं जानता हूँ आप दोनों की जिंदगी में और करियर में बहुत इंपॉर्टेंट मुकाम रखता है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वेब वर्ल्ड जो है. ये जोड़ी भी एक तरीके से वेब नहीं बनाई है, वेब ने बना दी जोड़ी का ही. बट इंडियन टेलीविजन का अपना चार्म है. हमारे जो सास बहू शोज हैं उनका अपना चार्म है. और वो लहंगे गहने और सास का ताना, बहू का चिल्लाना, इसका अलग चार्म है. आपने सोचा है सलोनी कभी सास बहू ड्रामा करने का प्लान है लाइफ में? पारस मैं तो कलाकार हूँ. मुझे आप जितने रोल करने के लिए कहेंगे मैं जरूर करूंगी क्योंकि उससे मेरी ही सीख बढ़ती है. मैं ही एक और लाइफ जीने के लिए यू नो मुझे मौका मिलता है. आई वुड लव टू डू इट. एंड हम बड़े हुए हैं सास बहू शोज देख के, टीवी देख के. तब वेब कहाँ होता था तो उसका जो मजा है वो अलग ही है. आई वुड लव टू. ऐसा कुछ नहीं है कि विराफ 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 को कैसी लगेंगी ये सास बहू ड्रामास करते हुए. यू नो हाउ ड्रामेटिक आवर शोज आर. इट्स सुपर ड्रामेटिक शोज. सो सलोनी कैसी लगेंगी सास बहू ड्रामा, प्रॉपर बहू? बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि वो अभी यहाँ पे ऐसे बड़ी स्वीट स्वीट लग रही है. मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ बहुत ड्रामा कर सकती है. सो दिस इज फॉर ऑल द मेकर्स. आई हैव अ वेरी ड्रामेटिक वाइफ. यू ऑल कैन एक्सप्लोर पॉसिबल. ओके गाइस, लास्टली मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आप दोनों एज अ कपल, एज अ पेयर और अपने सभी फैंस को आप एक मैसेज जरूर दें ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम ऑफ पेंडेमिक. व्हाटएवर यू वांट टू से टू ऑल योर फैंस. मेरे पास तीन मैसेजेस है कि लास्ट वाला मैंने बस अभी हाल ही में सीखा है. पर पहला सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि वैक्सीनेशन जितना जल्दी आप कर सकते हो अपने आप के लिए प्लीज करिए. और ये हमारे पास लड़ने का सबसे मजबूत तरीका है. तो अगर आप किसी की भी वैक्सीनेशन में हाथ बटा सकते हो या अपने आपका वैक्सीनेशन करवा सकते हो तो जल्दी से करवा दीजिए. दूसरा, हमें ये सीख मिल गई है कि जितना हम एक दूसरे से जुड़े, भले वो पति पत्नी या पत्नी पति से जुड़े, आप अपने कम्युनिटी से जुड़े, आप अपने नेबर से जुड़े, आप अपने दोस्तों से जुड़े, ये जुड़ने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं. हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. तो बस जुड़े रहिए और वो होपफुल रहिए. होप, उम्मीद ना छोड़िए क्योंकि ये हमारे पास सबसे बड़ी बात है. उम्मीद पे दुनिया कायम है. और इस दौरान में मैंने ये सीख लिया कि उम्मीद से बड़ी चीज हमारे पास और कुछ नहीं है. और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी मैरिड लड़का है, लिसन टू योर वाइफ लाइक मी. सुधर गया लड़का, सुधर गया लड़का. सलोनी प्लीज गो अहेड. क्या कहना चाहते हैं आप अपने सभी फैंस को? ब्रोकन को भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है. व्हाटएवर यू वांट टू से टू योर फैंस. मैं इतना कहना चाहती हूँ कि दिस टू शैल पास. ये भी दौर निकलेगा, अच्छा वक्त दोबारा आएगा. वो करिए जिससे आपको खुशी मिलती है. जितना हो सके दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए. ब्रोकन बट ब्यूटीफुल देखिए और संसार आ रहा है वो भी जरूर देखना. चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. एंड लास्टली मैं कुछ कहना चाहता हूँ. आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब हमारी बातचीत हो तो ऐसे वर्चुअली ना हो, जूम या स्काइप पे हम लोग फिजिकली इंटरव्यू कर पाए. और तब तक भगवान करे
कोविड चला जाए तो हम एक फिजिकल एक अच्छा रॉकिंग इंटरव्यू करें. थैंक यू सो मच गाइस फॉर टॉकिंग टू अस. आरएस मैं तुम्हारे लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम अभी कुछ 8-10 साल से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं भले किसी शो पे और तुम डटे रहे हो और तुमने बहुत लोगों का मनोरंजन किया है अपने तरीके से. सो मोर पावर टू यू फॉर दैट. ये एक अलग किस्म की ताकत होती है बने रहने की वो जो तुम्हें नजर आती है. भले तुम ऐसी स्माइल लेके आ जाते हो पर तुम भले ही खूंखार फाइटर हो भाई. Thank you so much. Thank you so much. Bye guys. Thank you. Please take care.